असल स्टूडेंट्स वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इर्शाद इमरान आज हम लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 तो इसमें जो हम एक्सरसाइज 1.4 है इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 डिस्कस करेंगे और जो एक्सरसाइज फाइव है उसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट तो बेसिकली इन दोनों एक्सरसाइज में से 1.4 पॉइंट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स कई दफा पेपरों में आया हुआ है स्टूडेंट के की वैल्यू फाइंड करने वाला चलते हैं हम इस लेक्चर की तरफ सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फोर क्या लिखा हुआ इफ एफ ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस ये कंडीशन है कि एक्स की वैल्यू माइनस वन या माइनस वन से लेस हो तो तब आप लोगों ने जो फंक्शन यूज करना है वो एक्स प्लस टू यूज करना है और आगे लिखा हुआ एक्स इज ग्रेटर माइनस वन जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से ग्रेटर हो तो तब आपने फंक्शन यूज करना है सी प्लस टू का तो ये दो कंडीशन इसलिए होती है कि लेफ्ट हैंड के लिए अलग फंक्शन यूज करते हैं राइट right हैंड के लिए अलग फंक्शन यूज करते हैं और डिफाइन वाले लिए के लिए अलग फंक्शन यूज किया जाता है देखिए आगे क्या लिखा हुआ है फाइंड सी

तो देखें स्टूडेंट मैंने लेफ्ट साइड पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन वाला फंक्शन यूज okay, तो करते हैं और राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन वाला फंक्शन यूज करते हैं स्टूडेंट लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रहा होगा यहां पे एक्स की जगह अगर आप वैल्यू रिप्लेस करें माइनस वन प्लस टू और राइट हैंड लिमिट में क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है सी प्लस टू तो इसके जगह एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट नहीं होगी तो सी प्लस टू आ गया तो स्टूडेंट माइनस वन प्लस टू किसके बराबर आ गया यहां पे अगर देखें ये प्लस का टू प्लस का टू से कैंसिल माइनस वन को बराबर है सी के और सी इज इक्वल टू माइनस वन तो ये है सी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है किसकी मदद से स्टूडेंट फंक्शन यानी एग्जिस्ट करता है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में क्वेश्चन नंबर के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में भी एम एन की वैल्यू मालूम करनी, में में करनी है वो कॉन्टीन्यूज है किसके ऊपर तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूज है तो आपने एम एक्स आगे फंक्शन का फर्स्ट पार्ट अगर आप पढ़ लें तो एम एक्स क्या है जब एक्स लेस देन थ्री हो एन कब यूज होता है जब एक्स इज इक्वल टू थ्री हो और माइनस टू एक्स प्लस के लिए अलग फंक्शन दिया हुआ राइट हैंड के लिए अलग फंक्शन दिया और इक्वल के लिए अलग फंक्शन दिया हुआ है तो स्टूडेंट इसके सोल्यूशन पे चलते हैं एज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू थ्री फंक्शन कॉन्टिन्यूज है किसके ऊपर एट एक्स इज इक्वल टू थ्री के ऊपर और अगर कभी फंक्शन कॉन्टीन्यूज हो तो स्टूडेंट आप तमाम स्टूडेंट को पता है कि फंक्शन का डिफाइन होना फंक्शन का एग्जिस्ट करना और डिफाइन और एग्जिस्टेंस के आंसर जो होते हैं लिमिट पे एट के ऊपर फंक्शन का इक्वल होना ये याद रखिएगा अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो देन फंक्शन आपका क्या हो जाता है कॉन्टिन्यूस अदरवाइज डिस्कॉन्टिन्यूस तो यहां पे तो हमें खुद बताया हुआ फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो सो एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सोच थ्री पॉजिटिव आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे तो स्टूडेंट हम आप जो मर्जी पुट कर लेन तो ही आंसर आएगा तो अभी तो डिफाइन इसलिए नहीं है क्योंकि हमें एन की वैल्यू पता नहीं है तो सेकेंड है लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या limit 3, है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री माइनस अब आपने फंक्शन यूज क्या करना है लेस देन वाला कौन सा फंक्शन यूज करना है लेस देन वाला एम एम एक्स 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 तो यानी की जगह आप रिप्लेस कर दें देंट इन टू थ्री किसके बराबर होगा थ्री एम तो ये आप लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर मिल गया स्टूडेंट चलते हैं राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री यहाँ पे चले हेडिंग दे देता हूं मैं राइट हैंड लिमिट तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स बराबर है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री एफ ऑफ एक्स की जगह कौन सा यूज़ का एक्स ग्रेटर देन थ्री वाला यानी माइनस टू एक्स प्लस नाइन स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे थ्री पोट कर दूँ माइनस टू इंटू थ्री प्लस नाइन मजीद सिंपलीफाई करें माइनस सिक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू थ्री तो ये है स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट का आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है थ्री एम राइट हैंड लिमिट का आंसर है थ्री और डिफाइन वाले फंक्शन का आंसर क्या है एन तो एज एफ ऑफ थ्री बराबर है बराबर होते हैं तो स्टूडेंट एफ ओफ थ्री की जगह क्या मैं लिखूंगा एन लिमिट एक्सोचेस टू थ्री नेगेटिव एफओं थ्री एम और लिमिट एक्सोचे पॉजिटिव एफोफेक्स की जगह क्या लिखा जाएगा थ्री तो स्टूडेंट क्या इसमें आपको नजर आ रहा होगा ये तीनों इक्वेशंस आपस में इक्वल है तो एन बराबर है थ्री एम के और ये बराबर है थ्री के तो मैं लिख सकता हूं कि एन किसके बराबर है थ्री एम और थ्री एम किसके बराबर है वो भी थ्री के दोनों को थ्री के इक्वल ले लिया गया है स्टूडेंट तो एम किसके बराबर हो गया वन तो एन की वैल्यू यहाँ से मिली थ्री और एम की वैल्यू यहाँ पे मिल गई वन तो एम की वैल्यू भी मिल गई और एन की वैल्यू तो क्वेश्चन में यही दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ले थी फाइंड वैल्यू ऑफ एम एंड एन सो गिवन फंक्शन एफ इज कॉन्टीन्यूज है तो स्टूडेंट तो आप देख सकते हैं फंक्शन में कब होता है? जब आपका फंक्शन की वैल्यू एक्स लेस देन थ्री हो तीन से कम हो तो तब आप फंक्शन यूज करोगे एम एक्स वाला जब आपके फंक्शन की वैल्यू तीन या तीन से ज्यादा होगी तो तब आप फंक्शन की वैल्यू कौन सी यूज करोगे एक्सकेर वाली यूज करोगे तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं

एक्स इज इक्वल टू थ्री पे एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दिया हुआ है स्टूडेंट एक्सकेर के बराबर दिया हुआ है तो यहां पे अगर मैं थ्री पोर्ट करूं तो थ्री का स्केयर किसके बराबर होता है नाइन के तो स्टूडेंट इज डिफाइन ओके नेक्स्ट हम चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर तो यहां पे हेडिंग दे, दे दें बेशक लेफ्ट हैंड लिमिट Limit X approaches to 3. Heading दे दें, तब भी ठीक है नहीं भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री माइनस यूज किया जाएगा लेस देन वाला less than वाला क्या एम एक्स तो बेटा एम और एक्स एक्स की जगह आप थ्री रिप्लेस कर दें तो थ्री एम ये आप लोगों के लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया नेक्स्ट आ जाता है राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री पॉजिटिव एफ ओफेक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री

नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स उसकी वजह ये है कि यहां पर ये के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और के की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है ये वाला सवाल बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम टाइम ये आया हुआ है इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा आप लोगों को एक चीज और भी नजर आ रही होगी इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सिक्स में इसमें तो दो कंडीशन बनते है। या तो वो टू से लेस है या तो टू से ग्रेटर इट लेफ्ट लिमिट के लिए भी यही है और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन है तो जब दोनों एट अ टाइम लेफ्ट और रेस्ट देन और ग्रेटर दोनों के लिए चीज एक ही है तो लिमिट हम एक दफा अप्लाई करेंगे लेफ्ट और राइट के लिए नेक्स्ट आ जाता हैक्वालिटी equal के लिए जो आप लोगों वो, वो ने कैलकुलेट करना so है सो डेट एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू आपका फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है किसके ऊपर की तरफ चलते हैं एज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू यानी आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है किसके ऊपर टू के ऊपर तो फिर सो एफ ऑफ टू बराबर होगा लिमिट एक्सोचेस टू टू एफ ऑफ एक्स तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू लिमिट के ऊपर एट अप्रोचेस टू और डिफाइन वाला आंसर दोनों आपस में क्या होंगे बराबर यहां पे माइनस वाला और प्लस वाला क्यों नहीं लिखा गया लेफ्ट एंड राइट उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट क्योंकि यहां पे नॉट इक्वल की कंडीशन है और नॉट इक्वल में लेस देन भी होता है और ग्रेटर देन भी होता है तो स्टूडेंट

आप देख सकते हैं फंक्शन केवन डिवाइड टू, टू। स्टूडेंट अगर मैं डायरेक्ट टू पुट कर दूं तो टू इंटू टू फोर फोर प्लस नाइन का अंडर में से अगर यहां पे भी टू पुट करें टू प्लस सेवन नाइन नाइन का अंडर रुड थ्री थ्री माइनस थ्री जीरो नीचे टू माइनस टू ये भी जीरो तो ये तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनती है और याद रखिएगा जब जीरो जीरो फॉर्म बने तो टेक्निक यूज करते हैं वो टेक्निक क्या है कि हम इसे रेशनलाइज करेंगे यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा स्टूडेंट लिमिट अप्रोचेस टू टू जो आगे फंक्शन मल्टीप्लाई किया इसके कॉन्जुगेट से वाला है, तो पॉजिटिव वाली से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से ही डिवाइड करेंगे यानी न्यूमिनेटर भी वही है और डी भी वही है तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ए माइनस आप जानते हैं ए माइनस और a प्लस बी जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बनता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो स्टूडेंट ऊपर जो फॉर्मूला है स्टूडेंट स्केयर अंडरवुड से कैंसिल हो जाएगा स्केयर अंडरवुड से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आप लोगों के पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू

तो given क्या है है बराबर के और जगह हम वन बाई सिक्स लिख देंगे तो स्टूडेंट ये है का answer बहुत important question है अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी साल पेपर में आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं आप लोगों को दिसंबर टेस्ट ये अक्सर सालों में आता रहता है ने इस साल जो पेपर देना बोर्ड का जो नेक्स्ट ईयर आप लोगों के होंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन नंबर वन ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन आप लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है स्टूडेंट्स ग्राफ ये जो चैप्टर एक्सरसाइज है ये बहुत ही मतलब इस तरह की एक्सरसाइज है ग्राफिकली क्वेश्चन है इसके अंदर सारे के सारे हमने इसमें जस्ट आप लोगों को अभी मैंने पहला क्वेश्चन करवाना है इस लेक्चर के अंदर मगर मैं आपको बताता चलूं कि इस क्वेश्चन में ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पर आप लोगों ने फिर भी इसकी एक आध प्रैक्टिस जरूर करनी है अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लें एक्सकेयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू नाइन आप लोगों को ये इक्वेश प्लस वाइ स्केर इक्वल टू नाइन आप लोगों ने इसका ग्राफ स्केच करना है तो इसके स्लेशन में देखें इसमें दो वेरिएबल है 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 एक x है और एक y है, एक और को इंडिपेंडेंट समझेंगे और एक को डिपेंडेंट तो वाई स्केयर साइड पर हो गया और एक्सकेर प्लस का था उस साइड जाके क्या हो गया माइनस का तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं वाई किसके बराबर है प्लस माइनस अंडर रूड नाइन माइनस एक्स केयर वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो स्टूडेंट है लेते हैं तो देखें बेटा एक्स की वैल्यू मैंने कंसीडर की small x, small गलती से गया माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री ये मैंने अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज ले ली माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री अगर स्टूडेंट माइनस थ्री में अगर इसके अंदर पुट करूं तो नाइन माइनस थ्री का स्केयर भी तो नाइन होता है तो नाइन माइनस नाइन जीरो ना प्लस का होता है, ना होता है। 2 करें, तो नाइन माइनस टू का स्केयर ये फोर हो जाएगा इसी तरह माइनस वन पोट करें तो नाइन में से वन निकाल दे क्योंकि माइनस वन का स्केयर वन होता है तो नौ में से एक निकाल दे तो आठ बचता है और आठ का अंडर प्लस टू पॉइंट एट होता है बेटा जीरो पुट करें तो प्लस माइनस थ्री वन पुट करें तो प्लस माइनस टू पॉइंट एट टू पुट करें तो प्लस माइनस टू पॉइंट टू और थ्री पुट करें तो ये जीरो बन जाता है तो स्टूडेंट अगर हम इसका ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं आप लोगों को नजर आ रहा होगा है और एक साइड पर नेगेटिव वैल्यू होती है इसी तरह वर्टिकल लाइन में वाई एक्स में ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है और नीचे नेगेटिव जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजन और ओरिजन पर वैल्यू क्या होती है जीरो तो स्टूडेंट आप लोगों ने इक्वल डिस्टेंस पर आप लोगों ने यहाँ पे एक दो तीन नेगेटिव साइड माइनस ले लिए आप देख सकते हैं प्लस थ्री और मिनिमम कितनी है वो भी माइनस थ्री है तो स्टूडेंट मैंने वन है ये टू है और ये थ्री मैंने इक्वल डिस्टेंस में ले लिया नीचे माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री अब अगर आप देख सकते हैं जब आपके पास एक्स की वैल्यू माइनस थ्री थी तो तब आप लोगों तो के पास y की, की वैल्यू क्या थी जीरो तो आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है जीरो और y एक्सिस के ऊपर याद रखिएगा यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है जीरो और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है जीरो y एक्सिस के ऊपर तो स्टूडेंट जब आपके x की वैल्यू माइनस थ्री थी तो अब y की वैल्यू भी क्या थी जीरो और जब x की वैल्यू माइनस टू थी तो तब y की वैल्यू प्लस टू पॉइंट टू भी थी तो ये देख सकते हैं यहाँ पे टू है तो टू पॉइंट टू यहाँ पर आ रहा है

प्लस में भी और माइनस में इसी तरह वन पुट करेंगे तो वह टू पॉइंट एट आता है वो नीचे भी और ऊपर भी आता है क्योंकि प्लस में भी है और माइनस में भी है अगर इन तमाम डॉटेड लाइंस को अगर मैं आपस में ज्वाइन कर दूं तो इससे बनने वाला जो ग्राफ है वो बेसिकली इस इक्वेशन का ग्राफ होता है एक्स स्केर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू नाइन का तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों ने अपनी मर्जी से कुछ चंद पॉइंट्स ले लें ले उस पॉइंट्स की मदद से आप उसकी डोमेन देख लीजिएगा इसकी डोमेन माइनस से थ्री के दरमियान तो आप इसके अंदर वैल्यू स्पोर्ट करें और ग्राफ स्केच कर सकते हैं पर है, 16 4 1. आप लोगों है। लोग ने इसका ग्राफ बनाना है आप में पढ़ेंगे, के बारे में। तो स्टूडेंट गिवेन एक्सकेयर ओवर वाई वाइस ओवर फोर इज इक्वल टू वन मजीद सिंप्लीफाई करें वाइस ओवर फोर इज इक्वल टू वन माइनस एक्सकेयर ओवर सिक्सटीन तो स्टूडेंट वाई स्केर ओवर फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस एक्स केर ओवर सिक्सटीन वाई स्केयर इज इक्वल टू फोर इंटू सिक्सटीन माइनस एक्स केयर ओवर सिक्सटीन कैंसिल होकर नीचे फोर बच जाता है सिक्सटीन माइनस एक्स केयर ओवर फोर मजीद सिंप्लीफाई करें तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सिक्सटीन माइनस एक्स केयर ओवर टू स्टूडेंट इसकी जो डोमेन बनती है वो माइनस फोर से फोर के दरमियान ठीक है क्योंकि फोर पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा माइनस फोर पुट करोगे तो तभी जीरो आ जाएगा तो स्टूडेंट अगर आप इसका टेबल देख लें एक्स की वैल्यू माइनस फोर से लेके प्लस फोर तक ले ली जो जो वैल्यूज जितनी जितनी जो आई है वो प्लस में भी है तो माइनस में भी है दोनों लिख ली गई ओके स्टूडेंट तो ये सारी के सारी वैल्यू अगर ग्राफ में स्केच करें आप देख सकते हैं जब आप लोगों के पास एक्स की वैल्यू माइनस फोर थी तो तब आप लोगों की यहाँ पे वाई की वैल्यू भी माइनस फोर ये जीरो बन गई थी जब आप लोग के पास एक्स की वैल्यू माइनस थ्री तो तब आप लोगों की वाई की वैल्यू आप लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ रही थी और यहाँ पे नेगेटिव में जब टू माइनस टू तो वो यहाँ पे आ रही थी और यहाँ पे जब आप लोग के पास एक्स की वैल्यू माइनस वन तो वाई की वैल्यू भी माइनस वन दो जब आपके पास एक्स की वैल्यू जीरो तो तब वाई की वैल्यू भी क्या है जीरो स्टूडेंट नेक्स्ट है जब वन थी तो तब आप लोगों की वैल्यूज आ रही है यहाँ पर माइनस टू पर और प्लस टू पर इसी तरह फोर पे ज़ीरो यानी आप लोगों ने जब फोर पोर्ट किया एक्स की जगह तो जीरो इनको आपस में तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो इससे बनने वाली ये शक्ल बेसिकली क्या है इलिप्स की बनती है पहले सर्कल बना था अब ये इलिप्स की शक्ल बनी तो स्टूडेंट इस ये इसका सेकंड पार्ट है थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं वाई इज इक्वल टू ई की पावर ई एक कांस्टेंट वैल्यूज है तो इसकी पावर टू है तो स्टूडेंट गिवन वाई इज की पावर टू एकस, अपनी मर्जी से कुछ वैल्यू ले ले माइनस वन एंड वन जब आप माइनस इसमें पुट करोगे एक्स की जगह तो ई की पावर माइनस टू बन जाएगा और ई की पावर माइनस टू किसके बराबर होता है जीरो पॉइंट वन इसी तरह अगर आप जीरो पुट करेंगे तो ई की पावर जीरो वन के बराबर और अगर आप वन पुट करेंगे तो ये सेवन पॉइंट फोर बन जाएगा तो स्टूडेंट आप इसका ग्राफ देख सकते हैं मैंने एक्स पर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू और वाई पे सारी पॉजिटिव इसलिए ली क्योंकि यहां पे वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती स्टूडेंट आप देख सकते हैं जब एक्स की वैल्यू माइनस वन थी तो तब आप लोगों के पास वाई की वैल्यू कुछ भी नहीं थी यानी कि जीरो पॉइंट वन था जब आप लोगों के पास एक्स की वैल्यू जीरो है तो तब आप लोगों के पास वाई की वैल्यू क्या थी वन थी तो जब आप लोगों के पास एक्स की वैल्यू वन आ गई एक्स की वैल्यू जब वन थी तो तब आप लोगों के पास वाई की वैल्यू क्या थी सेवन पॉइंट फोर स्टूडेंट जब आप लोगों के पास एक्स की वैल्यू वन थी तो तब वाई की वैल्यू आप लोगों को नजर आ रही होगी सेवन पॉइंट फोर तो यह आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि इस ग्राफ को मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा दूस की वैल्यू जब माइनस वन थी तो तब आप लोगों के पास वाई की वैल्यू क्या बनती थी जीरो पॉइंट वन ये आप लोगों के यहां पे जीरो पॉइंट वन आएगा ये डॉटेड लाइन जब एक्स की वैल्यू जीरो तो तब वाई की वैल्यू क्या थी वन जब एक्स की वैल्यू वन थी तो तब वाई की वैल्यू क्या है सेवन पॉइंट फोर इन लाइन को आपस में ज्वाइन कर लो तो इससे बनने वाला ये जो ग्राफ है वो किसका है वाई इज इक्वल टू तो ए की पावर टू एक्स का नेक्स्ट आप देख सकते हैं फोर्थ पार्ट वाई इज इक्वल टू तो थ्री की पावर एक्स तो वाई इज इक्वल टू तो थ्री की पावर एक्स का मतलब है कि मैंने थ्री पावर एक्स का ग्राफ स्केच करना है तो y बराबर है थ्री की पावर x तो आप अपनी मर्जी से कुछ चंद वैल्यूज ले ले माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू ये मैंने कुछ वैल्यू नेगेटिव में पॉजिटिव में कंसीडर कर ले जब आप x में

स्टूडेंट जब आप लोगों के पास एक्स की वैल्यू वन थी तो तब आप लोगों के पास वाई की वैल्यू क्या थी थ्री थी जब आप लोगों के पास एक्स की वैल्यू टू तो वाई की वैल्यू क्या थी नाइन बेटा ये जो रेड लाइन वाले इनको आपस में ज्वाइन कर लो तो इससे बनने वाला ये जो कर्व है ये बेसिकली ये जो ग्राफ है ये किस चीज़ का है, चीज़ का है? वाई इज इक्वल टू थ्री की पावर एक्स का तो स्टूडेंट ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट्स थे जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज वन पॉइंट फाइव के करवाए यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़